आज हमारी स्वागरात है, आज मैं अपने हाथों से तुम्हें ये दूध पिलाना चाहता हूँ। सुना है इससे प्यार बढ़ता है। रीना को दूध पिलाता है। रीना का दूध खत्म होते होते रीना को चक्कर आने लगता है और वो अचानक से नीचे गिर पड़ती है। अरे रीना, रीना क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया? क्या हो गया? मैंने तुम्हें दूध पिलाया जहर वाला और तुमने खुशी खुशी पी लिया। आखिर शिवराज ऐसा क्यों करता है? खुद की ही बीबी को क्यों मारना चाहता है? कुछ महीने पहले की बात है। ये है शिवराज मल्होत्रा, जो काफी कम उम्र में ही काफी ज्यादा संपत्ति बना चुका था, काफी अमीर बन चुका था। ये है इनका आलीशान घर। घर के अंदर से देखने से मानो राजमहल दिखाई देता है। कम उम्र में काफी ज्यादा पैसा कमाया था, लेकिन इसके घर में सिर्फ शिवराज मल्होत्रा और उसकी माँ कौशल्या रहती थी। एक शाम शिवराज अपने घर पे डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था, तभी उसका ऑफिस का एक खास इम्प्लॉई वहाँ आता है। अरे रोहित, तुम अभी इस वक्त यहाँ? क्या हुआ? सर, हम लोग बर्बाद हो गए, हमारा सारा कंटेनर पकड़ा गया है। क्या, ये क्या कह रहे हो तुम? कैसे पकड़ाया? वो तो सर अभी तक खबर नहीं आई है। ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। फिर रोहित वहाँ से चला जाता है और इधर शिवराज टेंशन में आ जाता है। अरे सारे कंटेनर पकड़ा गया, अब मैं क्या करूँ? मैं तो बर्बाद हो गया, बैंक का इतना सारा लोन है, मैं कैसे चुका पाऊंगा? इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? तभी शिवराज की माँ कौशल्या वहाँ आती है, बेटी को परेशान देख पूछती, अरे बेटा क्या हो गया शिव? अरे माँ कुछ नहीं, वो ऑफिस का काम था इसलिए रोहित आया था, आप चिंता ना करो, जाके सो जाओ। दूसरी रोज सुबह सुबह शिवराज ऑफिस के लिए निकलता है। अरे बेटा इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? अरे माँ वो ऑफिस में थोड़ा सा काम है, वही निपटा के आता हूँ। तभी शिवराज के घर दो बैंक एम्प्लॉई पहुँच जाते हैं। वो लोग कहते हैं, अरे शिवराज जी और ऑफिस जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी ऑफिस सीज हो गई है। ये क्या कह रहे हो? और तुम लोग कौन हो? हम लोग बैंक से हैं और आपने इतना सारा लोन जो लेके रखा है, अब आपका घर भी नीलाम होने वाला है। ये क्या बकवास कर रहे हो? हम कोई बकवास नहीं कर रहे हैं, आपको इत्तला करने आए हैं, एक महीने का मोहलत है, अगर आपने किस्त नहीं भरा तो आपका घर नीलाम कर दिया जाएगा। ये कहते हुए बैंक एम्प्लॉय वहाँ से चले जाते हैं। अरे बेटा ये क्या कह रहे थे, हमारा ये घर बिक जाएगा, ये क्या हुआ बेटा? अरे माँ तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे थोड़ा सा सोचने का वक्त दो। शिवराज पर मानो पहाड़ टूट पड़ता है। रात का वक्त हो रहा था, शिवराज एक कमरे में जाकर चुपचाप बैठ जाता है और सोचते रहता है कि क्या किया जाए, कैसे पैसे लाया जाए, अब मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊं पैसे इतने सारे, बैंक का अगर पहला किस्त मिस कर गया तो ये घर भी मेरा नीलाम हो जाएगा, हम लोग तो रोड पे आ जाएंगे, कैसे लाऊं पैसे। शिवराज ऐसे ही पूरी रात सोचता रहा सोचता रहा। सुबह की पहली किरण के साथ शिवराज यूं ही वहीं पर बैठा था। शिवराज के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे हाँ, अगर ये काम किया जाए तो मेरा बैंक का सारा किस्त मिल सकता है, ये घर भी नीलाम होने से बच सकता है, मैं बर्बाद होते होते फिर से आबाद हो सकता हूँ। शिवराज ये सोचते सोचते खुश हो जाता है और उस कमरे से चला जाता है। शिवराज रीना से शादी कर लेता है, क्योंकि रीना के पापा काफी बड़े जमींदार थे और रीना के पापा से काफी ज्यादा दहेज भी लेते हैं। शिवराज काफी अमीर था, उसका बड़ा सा घर था, ऑफिस था, जिस कारण जमींदार भी उसे काफी सारा दहेज दे देते हैं। शिवराज की माँ भी काफी खुश होती है अपने बेटे की शादी से। आज शिवराज और रीना की शादी की स्वागरात थी। रीना कमरे में बैठी हुई थी और अपने पति शिवराज का इंतजार कर रही थी कि कुछ ही समय में शिवराज आता है, लेकिन हाथ में दूध का ग्लास लिए रीना के पास पहुंचता है। अरे शिवराज जी आप दूध लेके आए, दूध तो मुझे पिलाना चाहिए। अरे रीना, दूध तुम पिलाओ या मैं पिलाऊं, बात एक ही है, आज हमारी स्वागरात है, आज मैं अपने हाथों से तुम्हें ये दूध पिलाना चाहता हूँ, सुना है इससे प्यार बढ़ता है। लगता है आप काफी रिसर्च करके आए हैं प्यार के बारे में। अरे हाँ हाँ, इसीलिए तो, अब और कुछ न कहो, ये दूध पी लो मेरे हाथों से। फिर शिवराज अपने हाथों से रीना को दूध पिलाता है। रीना का दूध खत्म होते होते रीना को चक्कर आने लगता है और वो अचानक से
नीचे गिर पड़ती है। अरे रीना, रीना क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया? क्या हो गया? मैंने तुम्हें दूध पिलाया जहर वाला, और तुमने खुशी खुशी पी लिया और तुम इस दुनिया से चली गई। मेरा पहला किस्त पूरा हुआ। फिर शिवराज रीना की लाश को घसीटते हुए वहां से लेके जाता है ठिकाना लगाने के लिए। दूसरी सुबह होते ही शिवराज उठ जाता है और वो पैसों का बैग उठाता है और निकल पड़ता है। शिवराज घर से जा ही रहा होता है कि उसकी माँ उधर सीढ़ियों से उतरती है। शिवराज को देख तुरंत कहती है, अरे बेटा शिव, कहाँ जा रहे इतनी सुबह सुबह, और बहू कहाँ है? अरे माँ, वो तो चली गई। चली गई मतलब कहाँ गई? अरे माँ, उसके पापा की अचानक से तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए कल रात ही वो अपने घर गई है। अचानक से तबीयत खराब हो गई, वो चली गई, मुझे कुछ कही भी नहीं, शिवराज ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है। अरे मुझे लगता है जरूर शिव से कोई झगड़ा उगड़ा करके चली गई। क्या कोई झगड़ा हुआ है? मुझे पता लगाना पड़ेगा। शिवराज उन पैसों को लेकर सीधा बैंक आ जाता है। बैंक आकर वो अपना पहला किस्त भर देता है, जिससे कि उसका घर नीलाम होने से बच जाता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। अब शिवराज का लोभ बढ़ चुका था, वो अब ऐसे ही शादियां करता है। शादी में अच्छे खासे दहेज ले लेता है और शादी की रात ही अपनी बीबी को जहरीला दूध पिलाकर मार देता है। ऐसे ही एक एक करके 7 शादियां कर चुका था शिवराज, और सारी बीबियों को ऐसे ही जहरीला दूध पिलाकर मार चुका था। शिवराज अपने मकसद में कामयाब होता जा रहा था। आज शिवराज 7वीं बीबी को भी मार चुका था। उसकी बीबी की लाश नीचे पड़ी हुई थी। शिवराज सोचता है, अरे मुझे कोई नहीं पकड़ सकता है, ऐसे ही अगर और एक शादी कर लूं तो मेरे बैंक के सारे किस्त चुक जाएंगे, मेरा सारा लोन क्लियर हो जाएगा, मेरा ये घर बच जाएगा, मेरा ये फिर से ऑफिस चालू हो जाएगा, बस और एक शादी करनी बाकी है, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। फिर शिवराज अपनी इस बीबी को भी घसीटते हुए लेके जाता है। शिवराज का अगला शिकार था सिमरन। सिमरन के पापा बहुत बड़े बिल्डर थे, उससे काफी सारे पैसे लिए थे दहेज के तौर पर। शिवराज के हिसाब से वो इस चाल को आखिरी बार चलेगा, ये पैसे बैंक में देकर उसका सारा किस्त समाप्त हो जाएगा, इसलिए वो सिमरन से शादी करता है। शिवराज की माँ को भी ये सारी बातें अब पता थी, वो पैसे की खातिर चुप थी, पैसे के लोभ के कारण दूसरों की बेटियों को लेकर आती थी, शादी के लिए राजी करवाती थी और उससे पैसे लेकर सबको मरवा देती थी। यही काम कर रहे थे माँ बेटे मिलकर। आज सिमरन और शिवराज की शादी की स्वागरात थी, वही कमरा, वही बिस्तर, वही सब कुछ, बस दुल्हन अलग। सिमरन बैठी अपने पति शिवराज का इंतजार कर रही थी, तभी शिवराज आता है, हाथों में 2 दूध का गिलास लिए, ताकि सिमरन को कोई डाउट ना हो। अरे शिवराज जी, आप आगे, लेकिन ये क्या, आप दूध लेके आए, दूध तो मुझे लाना चाहिए था ना। अरे सिमरन, दूध तुम लाओ या मैं लाऊं, एक ही बात है, और वैसे भी दूध पिए बिना मेरी नींद नहीं आती है, इसीलिए तो 2 गिलास लेके आया, एक तुम पीना, एक में से मैं पी लूंगा। वाओ, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लाइए लाइए, मेरा कौन सा ग्लास है? ये लो, ये तुम्हारा ग्लास है। शिवराज जहर वाला दूध आगे बढ़ाते हुए सिमरन को देता है। सिमरन उस ग्लास को ले लेती है। अरे पियो पियो, जल्दी पी लो, ठंडी हो जाएगी। हाँ हाँ, पीती हूँ एक मिनट। तुम दूध पियो, तब तक मैं वॉशरूम से आता हूँ। शिवराज अपने ग्लास का दूध भी वहाँ रख देता है और वॉशरूम के लिए चला जाता है। फिर सिमरन वहाँ पर दूध के ग्लास को बदल देती है और दूसरे ही ग्लास को दूध को पी लेती है और चुपचाप सो जाती है। तभी शिवराज आता है, आके देखता है सिमरन सोई हुई है। अरे वाह वाह वाह, दूध ने इतना जल्दी कमाल कर दिया। अरे सिमरन, तुम मेरी आखिरी चाल थी और तुम भी चल बसी, अब मेरा बैंक का सारा लोन चुक जाएगा, फिर से मुझे सब कुछ मिल जाएगा, बस तुम ही आखिरी थी, अब मैं नया शादी करके इसके साथ जीवन बिता सकता हूँ।
शिवाजी ये सब कह ही रहा था और काफी खुश हो रहा था, तभी सिमरन धीरे धीरे उठ जाती है। अरे शिवराज, क्या हो गया, तुम चुप क्यों हो गए? अरे 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 सिमरन, तुम अभी जिंदा हो, तुम मरी नहीं हो, ये कैसे हो सकता है? मेरा दूध मुझे धोखा कैसे दे सकता है? अरे शिवराज, तुम्हारी 7 बीबियों को ऐसे ही मारा था ना तुम, अब तुम जेल में चक्की पीसना 7 जन्मों तक, कभी तुम्हें छुटकारा नहीं मिलेगा। अरे तुम कौन हो सिमरन, तुम कौन हो? मैं सीबीआई इंस्पेक्टर हूँ। तुम्हारे इस केस को लेकर मैं कई महीनों से पागल की तरह ढूंढ रही थी और आज इस केस का भी अंत हो गया। इंस्पेक्टर जल्दी आइए और पकड़िए इस मुजरिम को, कहीं ये माँ बेटा भाग ना जाए। फिर इंस्पेक्टर साहब वहाँ आते हैं अपने एक सिपाही के साथ और शिवराज को पकड़ लेते हैं जो यहीं कहीं छुपे हुए थे सिविल ड्रेस में, और शिवराज को पकड़ कर वहाँ से लेके जाते हैं। शिवराज की माँ को भी अरेस्ट कर लिया जाता है शिवराज के जुल्म में साथ देने के लिए। शिवराज और उसकी माँ दोनों को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। जुर्म कोई भी हो, उसकी सजा तो अवश्य मिलती है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। आज शिवराज ने जो किया बहुत बड़ी जुर्म थी, शिवराज को तो अपनी गुनाहों की सजा अवश्य मिलेगी, और उसकी माँ जो उसका साथ दे रही थी जुर्म में, वो भी बराबर की हकदार है, उसकी माँ को भी सजा मिलेगी। रजनी धोखे से 3 लड़कों के साथ शादी कर लेती है। आज उसकी तीसरी शादी की सुहागरात थी। रजनी इंतजार कर रही थी अपने तीसरे पति का, लेकिन कुछ अजीब होता है। तीनों पति एक दूसरे के दोस्त होते हैं और तीनों एक साथ पहुंच जाते हैं रजनी के पास। अरे ये क्या, एक नहीं दो नहीं तीनों पति पहुंच गए, अब मेरा क्या होगा? अब रजनी का क्या होगा जानने के लिए वीडियो में बने रहें। एक रोज राजेश और रजनी दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। आप दोनों की शादी संपन्न हुई, अब आप लोग एक नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए आज से। राजेश एक सरकारी दफ्तर में अच्छे पोस्ट पर काम करता था। राजेश का अपना एक छोटा सा घर था, इस घर में सिर्फ राजेश ही रहते थे। रजनी हर शाम राजेश का इंतजार करती दरवाजे पर, राजेश शाम को घर लौटता। राजेश के घर लौटते ही रजनी राजेश के लिए चाय बनाकर लेके आती और राजेश का खूब ख्याल रखती थी। अब राजेश को भी रजनी पर पूरा विश्वास हो गया था कि रजनी राजेश से खूब प्यार करती है। अरे रजनी, मैं आज तक किसी पे भरोसा नहीं किया था इतना जितना मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, और मुझे विश्वास है तुम कभी भी मुझे धोखा नहीं दोगी। मैं आपकी बीबी हूँ राजेश, मैं आपको धोखा क्यों दूंगी? हाँ हाँ पता है, इसीलिए तो आज सबसे बड़ा फैसला करने जा रहा हूँ। ये लो, ये चाबी लो, ये उस अलमीरा की चाबी है जिस अलमीरा में मेरे सारे जिंदगी के जमा पूंजी रखी हुई है, इसका खास ख्याल रखना। हाँ हाँ राजेश, ये चाबी तो मैं खुद से भी ज्यादा ख्याल रखूंगी इसका। चाबी देते हुए राजेश वहाँ से चला जाता है। और इधर रजनी, अरे राजेश, मैं इसी पल का तो इंतजार कर रही थी कि तुम कब मुझे इस अलमीरा की चाबी दो, आज मेरे हाथ लग गई। रात का वक्त हो रहा था, रजनी और राजेश दोनों सोए हुए थे कि अचानक से रजनी का नींद खुलता है, वो उठकर बैठती है। अरे यही सही मौका है, अभी जल्दी से सफा चट कर डालती हूँ सब कुछ। फिर रजनी उठती है और अपने पास से वो चाबी निकालती है और जाकर वो अलमीरा खोलती और सारा सामान अपने एक बैग में डाल लेती है। गुड बाय राजेश, इसी दिन का मैं तो कब से इंतजार कर रही थी, बाय। ये कहते हुए रजनी वहाँ से चली जाती है सारा सामान लूट कर। सुबह का वक्त हो रहा था, राजेश की नींद खुलती है, वो रजनी को देखता है कि रजनी वहाँ नहीं है, तभी आवाज लगाता है, अरे रजनी रजनी कहाँ हो? कुछ देर इंतजार करता है लेकिन रजनी नहीं आती है, तभी उसकी नजर अचानक से उस अलमीरा की तरफ जाती है जो कि पूरी तरह से खाली हो चुका था। ये देखकर राजेश शॉक्ड हो जाता है। अरे ये क्या, रजनी रजनी मेरा सारा सामान लेके भाग गई, मेरा जिंदगी भर का जमा पूंजी लेके भाग गई, इसका मतलब है कि रजनी मुझसे शादी की थी सिर्फ पैसों की खातिर। अरे मैं तो लूट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? राजेश पूरा पूरी बर्बाद हो चुका था। राजेश ने जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया उसी ने राजेश को धोखा दिया।
ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक रोज कमल पार्क में किसी का इंतजार कर रहा होता है। अरे अब आप ही जाओ, कितना देर करोगी, मुझे ऑफिस भी जाना है। कमल जिसका इंतजार कर रही थी, वो लड़की धीरे धीरे कमल के समीप आती है। कमल मैं आ गई। अरे रजनी कितना देर लगा दी, मुझे ऑफिस भी जाना है। अरे चले जाना, ऑफिस तो तुम्हारी है, तो तुम अगर देर से गए तो क्या दिक्कत है। रजनी का ये बिजनेस हो गया था, वो नए नए और अमीर लड़कों को फंसा कर उससे शादी करती और उसे फिर छोड़कर चली जाती, उसका सारा सामान लूटकर। आज कमल को वो फंसा रही थी। कमल के साथ काफी दिनों से वो प्यार का नाटक चला रही थी, क्योंकि कमल एक अमीर लड़का था। फिर रजनी और कमल कुछ समय पार्क में व्यतीत करते हैं। रजनी कमल को अंत तक फंसा कर कमल के साथ मंदिर में जाकर शादी रचा लेती है। आज कमल और रजनी की शादी की सुहागरात थी। रजनी बिस्तर पर बैठी थी, पंखुड़ियां बिखरे पड़े थे, हाथों में दूध का गिलास लिए कमल का इंतजार कर रही थी। तभी कमल आता है। अरे रजनी आज तो तुम कमाल लग रही हो, बड़ी खूबसूरत दिख रही हो। वो तो मैं पहले से हूँ, ये लीजिए पहले दूध पी लीजिए। अरे रजनी लेकिन मुझे दूध पसंद नहीं है, मैं नहीं पीता दूध। अरे सुहागरात के दिन दूध पीना शगुन होता है, अच्छा होता है, शुभ होता है। आइए मैं अपने हाथों से पिला देती हूँ। लेकिन मुझे पसंद नहीं है। चलो अच्छा है, तुम ही पिला दो, आज तुम्हारे लिए ये भी कर लेता हूँ। फिर रजनी अपने हाथों से कमल को दूध पिलाती है। दूध पीते ही कुछ ही समय में कमल गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। अरे चलो मेरे दवाई ने असर दिखा दिया, अब कल सुबह तक कमल तुम नहीं उठोगे, तब तक मैं सारा सब कुछ सफा चट कर डालती हूँ। कमल वहाँ पर गिरा पड़ा रहता है। रजनी जल्दी से जाती है दूसरे कमरे में, उसे पता था कहाँ संदूक रखा हुआ है, वो जल्दी से जाकर संदूक लेके आती है और संदूक से सारा पैसा निकालती है और अपने बैग में डाल लेती है। बाय कमल, आज के लिए कितनी रोटियां बेलनी पड़ी, कितने दिनों तक मेहनत करनी पड़ी, आज जाके सफल हुई, अब मैं चलती हूँ। रजनी कमल के सारे पैसे लूट कर वहाँ से चली जाती है और कमल यहाँ बेहोश पड़ा रहता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। रजनी फिर से एक अमीर लड़के को फंसाती है, रोहित, जिससे शादी करने वाली थी। मंडप तक पहुँच चुकी थी लेकिन पंडित जी अभी तक नहीं आए थे, जिस कारण रजनी परेशान थी। अरे रोहित अभी तक पंडित जी नहीं आए, हमारी शादी का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है। अरे हाँ हाँ रजनी मुझे पता है, मेरे दोस्त गए हैं पंडित जी को लाने के लिए, बस अभी आते ही होंगे। तभी वहाँ पर राजेश और कमल पहुँच जाता है, रजनी का पहले का दो पति, और साथ में पंडित जी नहीं पुलिस को लेके आते हैं। अरे ये क्या, ये कौन आ गए? अरे रजनी तुम सबको धोखा देते आ रही हो, कब तक धोखा दोगी, कभी तो पकड़ना पड़ेगा तुम्हें। ये दोनों मेरे दोस्त थे और उन दोनों ने मुझे सब कुछ बता दिया था, इसीलिए तो आज तुम्हारे साथ मैं मंडप तक पहुँचा हूँ, ताकि तुम्हें रंगे हाथों पकड़ सकूँ। आखिर क्यों करती थी ऐसा काम, क्या मजबूरी थी तुम्हारी, इतने पैसों की क्या जरूरत थी। फिर रजनी अपने बारे में सब कुछ बताती है, बात कुछ साल पहले की है। यह रजनी, आज रजनी को देखने के लिए लड़के वाले आए हुए थे। रजनी एक गरीब परिवार की लड़की थी, उसके पिता एक किसान थे। ये लीजिए चाय। अरे वाह बेटी, तुम तो देखने में काफी खूबसूरत हो। ठीक है बेटी, तुम अंदर जाओ, तुम्हारे पापा से कुछ बातें करनी है हमें। फिर रजनी अंदर चली जाती है। तभी किशोरी प्रसाद कहता है, अरे सूर्यकांत जी आपकी बेटी तो बड़ी प्यारी है, हमें पसंद आई। अरे किशोरी प्रसाद जी ये तो बहुत बड़ी बात हो गई हम गरीबों के लिए कि मेरी बेटी आपके घर जाएगी। वो बात तो सही है लेकिन थोड़ी सी लेन देन की बात कर ले। अरे किशोरी प्रसाद जी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम क्या दे सकते हैं आपको भला। अरे कुछ दे नहीं सकते और बेटी की शादी करवाने चले हैं, ऐसे कोई आपकी बेटी को ब्याह करके नहीं लेके जाएगा, देने के लिए भी कुछ होना चाहिए। चल बेटा यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है और इसकी बेटी की शादी भी नहीं होगी, चल यहाँ से। फिर किशोरी प्रसाद अपने बेटे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर सूर्यकांत जी काफी उदास हो जाते हैं
और ये सारी बातें रजनी अंदर से सुन लेती है। रजनी भी ये बात सुनकर काफी उदास हो जाती है। ऐसे ही कई रिश्ते आते हैं रजनी को देखने के लिए, लेकिन सूर्यकांत जी उसे कुछ भी नहीं दे पाएंगे, जिस कारण रजनी का हर रिश्ता टूट जाता है। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाते हैं और एक रोज सूर्यकांत जी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। सूर्यकांत के जाने से रजनी काफी अकेली हो जाती है। अब रजनी का इस दुनिया में और कोई नहीं था। रजनी काफी रोती है, लेकिन रजनी के आंसू पोंछने वाला और कोई नहीं था। दो लड़कों से शादी करके उसे लूटने के जुर्म में इंस्पेक्टर साहब रजनी को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे पुलिस स्टेशन लेके चले जाते हैं। रजनी को अपने कर्मों की सजा तो पुलिस देगी, लेकिन इधर रोहित बच जाता है। उसके दोनों दोस्त के कहे अनुसार अगर वो उसकी बात नहीं मानता तो आज रोहित भी लुट चुका होता और रजनी कहीं और किसी और के तलाश में रहती। हर जुर्म का कभी न कभी अंत तो निश्चित है, जैसे आज रजनी का हुआ।